आज की स्टोरी में जिस मूवी को एक्सप्लेन किया गया है उसका नाम है ब्रिजेस ऑफ द स्पाइस, जो कि 2015 में शाया हुई थी। ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड एक मूवी है जिसमें रशिया और अमेरिका के बीच के कोल्ड वॉर को दिखाया गया है। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको स्टोरीज पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मूवी की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया गया है जहाँ पर रुडोल्फ नाम का एक शख्स बैठ के पेंटिंग बना रहा होता है। रुडोल्फ अपने पेंटिंग के लिए बहुत मशहूर होता है। दरअसल में ये एक स्पाई होता है जिसको रशियन सिटी ने अमेरिका में जासूसी के लिए भेजा हुआ होता है। रुडोल्फ एक क्वाइन निकालता है जिसमें एक चिट होती है जिसमें कोड लैंग्वेज लिखी हुई होती है और वो उसको डिकोड कर रहा होता है। इतने में एफबीआई की टीम आती है और उसके पूरे घर की तलाशी लेती है, जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं। जो चिट रुडोल्फ के हाथ में होती है वो भी वो उसको अपनी पेंटिंग में मिला के उसको गायब कर देता है। लेकिन एफबीआई को पूरी मालूमात होती है कि वो सोवियत यूनियन की तरफ से भेजा गया एक जासूस है, इसीलिए एफबीआई की टीम रुडोल्फ को उठा के गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जेम्स एक इंश्योरेंस लॉयर होते हैं, लेकिन उसको रुडोल्फ के केस के लिए हायर कर लिया जाता है। जेम्स ये केस लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो रुडोल्फ का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रुडोल्फ का केस लेने के बाद जेम्स अपने असिस्टेंट के पास जाता है और रुडोल्फ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। फिर उसके बाद वो अपने घर जाता है। जब घर में उसकी फैमिली को ये बात पता चलती है, वो उसके इस डिसीजन से खुश नहीं होते। उनको पता होता है कि वो एक रशियन जासूस है। जेम्स की फैमिली इस केस के इस वजह से अगेंस्ट होती है क्योंकि वो समझते हैं कि अगर दुनिया को पता चलेगा तो वो जेम्स से नफरत करेंगे, क्योंकि वो एक जासूस का केस लड़ रहा है। जिस पर जेम्स कहता है कि वो एक भले ही जासूस हो, लेकिन उसको पूरा राइट है कि वो अपनी बात रखे। इतने में जेम्स का असिस्टेंट भी उसके घर पे पहुंच जाता है और उसको रुडोल्फ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अगले दिन जेम्स रुडोल्फ से मिलने के लिए जेल जाता है। रुडोल्फ जेम्स से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कोई भी क्राइम नहीं किया, जिसकी वजह से वो उसको कभी भी किसी भी केस में नहीं फंसा सकता। जेम्स रुडोल्फ से कहता है कि उसको केस में उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कंट्री में बहुत सारे लोग रशियन लोगों की वजह से मारे गए हुए होते हैं। इसी वजह से वो उसको ये भी बताता है कि यहाँ के लोग उससे नफरत करते हैं। जेम्स उसको कहता है कि अगर वो कॉर्पोरेट करेगा तो वो उसकी मदद कर पाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से तुम इस बात को जुटला नहीं सकते कि तुम एक रशियन जासूस हो। जिस पे रुडोल्फ कुछ सोचने लगता है। अब इसके बाद जेम्स उठ के जज से मिलने जाता है। इस मुलाकात में जेम्स जज को कहता है कि वो चाहता है रुडोल्फ का केस बगैर पार्शियलिटी के सही तरीके से लड़ा जाए। जिस पर जज उसको कहता है कि ये चीज नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ के लोग रशियन लोगों के जासूसों से सख्त नफरत करते हैं। ये वो टाइम होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिसमें अमेरिका और रशियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही होती, इसी वजह से इनके आपस में बहुत सारी क्लैशेस होते हैं। फिर उसके बाद जेम्स वहां से भी उठ के चला जाता है। जाते वक्त उसको CIA का एक दूसरा एजेंट मिलता है। वो उससे रुडोल्फ के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहता है, लेकिन जेम्स उसको कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जेम्स के मना करने पे CIA का वो आदमी उसको धमकी देता है और उठ के वहां से चला जाता है। अब उसके बाद जेम्स इस केस पर काम करना बाकायदगी से शुरू कर देता है, और इसी दौरान उसको पता चलता है कि जब रुडोल्फ के घर पर छापा मारा गया था तो किसी के पास भी सर्च वारंट नहीं था, और वो इसी चीज को यूज करके कोर्ट में सबको बताना चाहता है। अगले ही दिन कोर्ट में सबको ये पहले से ही पता होता है कि रुडोल्फ को फांसी दी जाएगी, और ये बात जेम्स को बहुत ही ज्यादा कटकती है और उसको अपना ये पॉइंट बहुत ही छोटा लगता है। दरअसल जेम्स रुडोल्फ को इसलिए बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सोवियत यूनियन के लोग इनके कंट्री के लोगों पर दोबारा हमला करें। दूसरी तरफ न्यूज में हर जगह ये बात शाया कर दी जाती है कि जेम्स रुडोल्फ की इस केस में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से वो जहाँ कहीं पे भी ट्रेवल करता है वहाँ लोग उसको नफरत भरी निगाह से देख। लेकिन जेम्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम ईमानदारी से करना चाहता। दूसरी तरफ रुडोल्फ पर कई सारे ट्रायल्स चलते हैं और सारे ट्रायल्स रुडोल्फ के अगेंस्ट होते हैं, जिसमें उसको सजा का हकदार माना जाता है और उसको सजाए मौत सुना दी जाती। ये सजाए मौत की सजा उसका हतमी फैसला नहीं होता, उसका हतमी फैसला होने में एक दिन और रहता है। इतने में जेम्स रुडोल्फ से मिलता है, जिस पे रुडोल्फ उसको कहता है कि वो बेकार में कोशिश कर रहा है क्योंकि आखिर में उसको सजाए मौत ही सुनाई दी जाएगी। लेकिन जिस पे जेम्स कहता है कि ये फाइनल वर्डिंग नहीं है और वो उसको सजाए मौत नहीं होने देगा। रुडोल्फ एक बहुत ही काम पर्सनैलिटी का आदमी होता है और उसको सजाए मौत से कोई फर्क नहीं। इतने में जेम्स वहां से जाके जज के घर चला जाता है और जज से मुलाकात में वो उसको कहता है कि सजाए मौत में उनका कोई फायदा नहीं। अगर वो उसको सजाए मौत की जगह दूसरी सजा सुनाता है तो उस बेस पर वो इस स्पाई से और भी सारे मालूमात इकट्ठे कर सकते हैं, जिस पर जज भी सोचने लग जाता। और अगले ही दिन कोर्ट में फाइनल वर्डिंग में वो उसको सजाए मौत की जगह 30 साल की सजा सुना देता है, जिसमें बैठे हर दूसरा शख्स कोर्ट में उस पर चिल्लाने लगता है कि उसको सजाए मौत क्यों नहीं दी। जेम्स जब कोर्ट से बाहर आता है तो उसका सीनियर भी उसको यही कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की एक जासूस को बचा के, जिसपे जेम्स उसकी बात को अनसुना करके रुडोल्फ से मिलने के लिए आता है, जिसपे रुडोल्फ
रुडोल्फ जेम्स का बहुत ही शुक्रगुजार होता है। रुडोल्फ को लगता है कि अगर जेम्स ने उसकी जान बचाई तो उसे जेम्स को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और सारे अमेरिकन्स उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगले ही दिन जेम्स के घर में हमला हो जाता है जब उसकी बेटी बैठ के टीवी देख रही होती है और हर तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी होती है कि उसमें से कोई भी जख्मी नहीं होता। ये वाकया होने के बाद जेम्स भी बहुत डर जाता है और वो पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए बुलाता, जिसपे एक पुलिस ऑफिसर उसको कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तुम देश के गद्दार हो। अब दूसरी तरफ ही CIA के ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसने कुछ पायलट्स को तैयार किया हुआ होता है, उनके जहाज के नीचे कैमरे लगे हुए होते हैं। वो CIA का ऑफिसर उनको बताता है कि इन प्लेन के नीचे बहुत बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं और वो रशियन टेरिटरी में जाकर वहाँ की जासूसी करेंगे, लेकिन उनको ये प्लेन बहुत ही ऊंचाई में उड़ाना होगा ताकि रशियन उनको देख ना सके, और अगर वो उनको देख ले या पकड़ ले तो उनको ये प्लेन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि रशियन उनको पकड़ ना सके। अब इनका एक पायलट प्लेन लेके रशियन टेरिटरी में जाता है और बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद एक मिसाइल पर उसे हमला कर दिया जाता है, जिस पर उसके प्लेन का एक हिस्सा क्रैश हो जाता है। वो अपने प्लेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसके बाद वो पैराशूट के जरिए से रशियन टेरिटरी में ही गिर जाता है और ये बात सारे अमेरिका में फैल जाती है। दूसरी तरफ जेम्स जब अपने ऑफिस आता है तो सभी उसको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो देश का गद्दार है। इतने में जेम्स के पास एक खत आता है जो कि रुडोल्फ की वाइफ ने लिखा हुआ होता है और जेम्स वो खत लेकर रुडोल्फ के पास जाता है, जिसमें जेम्स के लिए लिखा गया होता है कि वो उसकी बहुत शुक्रगुजार है रुडोल्फ की जान बचाने की। लेकिन इतने में रुडोल्फ उसको कहता है कि ये खत उसकी बीवी ने नहीं लिखा। दूसरी तरफ रशिया के लोगों को दिखाया गया है जो कि उस पायलट को अरेस्ट किए हुए होते हैं और उस पायलट को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट उसको 10 साल की सजा सुनाती है। इतने में जेम्स वो खत लिख के अपने सीनियर के पास जाता है जो कि उसकी वाइफ ने ईस्ट जर्मनी से लिखा हुआ होता है, और उसका सीनियर जेम्स को बताता है कि ये खत नहीं है, ये एक मैसेज है, तुम ईस्ट बर्लिन जाओ और पता करो कि कौन हमारे साथ डील करना चाहता है। और अब जेम्स ये डील करने के लिए जाने पे राजी हो जाता है और वो ईस्ट बर्लिन पहुंच जाता है। वही ईस्ट बर्लिन में एक अमेरिकन स्टूडेंट भी दिखाया जाता है जो कि दीवार पार करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, और अब सोवियत यूनियन वाले लोग उस नौजवान को भी पकड़ लेते हैं, उसको भी अपने कैद में रख लेते हैं। जेम्स के बर्लिन पहुंचने पर उसके सीनियर उसको कहते हैं कि उसको किसी भी तरीके से अपना जासूस पायलट बचा के लाना होगा, और साथ ही साथ में उसको अमेरिकन स्टूडेंट के बारे में भी बताया जाता है कि उसको भी किसी न किसी तरीके से उनको रिहा करके लाना होगा, जिस पर जेम्स उनको तसल्ली देते हुए कहता है कि वो दोनों को रिहा करके ले आएगा। अब बर्लिन में एक रात गुजारने के बाद अगले ही दिन वो वकील से मिलने आता है जिसका नाम वोगल होता है। दरअसल लेटर में वोगल का नाम भी होता है। वोगल जेम्स को रुडोल्फ की फैमिली से मिलाता है, जिस पर रुडोल्फ की फैमिली उसकी बहुत ही शुक्रगुजार होती है। उधर ही जेम्स को पता चलता है कि ये उसकी फर्जी फैमिली होती है, उसकी हकीकती फैमिली नहीं होती। दरअसल रशियन चीफ उससे मिलना चाहता है और उससे मिलके वो ये कहता है कि उनको रुडोल्फ किसी भी कीमत पर वापस चाहिए, जिस पर जेम्स उसको कहता है कि वो रुडोल्फ को छोड़ने के लिए राजी है लेकिन अगर वो उनके पायलट को आजाद कर दे, जिस पर रशियन एम्बेसी के चीफ कहते हैं कि उन्होंने काफी अरसे से रुडोल्फ को अपने पास रखा हुआ है और वो इस एक्सचेंज पे कभी भी एग्री नहीं होंगे क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने रुडोल्फ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई होंगी, तो वो भी उस पायलट को रख के उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही उसको रिहा करेंगे। अब वो रशियन चीफ उसको कहता है कि वो इस डील के बारे में अपने सीनियर्स को बता देगा, लेकिन इस डील में जो उसकी हेल्प कर सकता है वो एक वकील होता है, लेकिन वो जेम्स से कहता है कि वो एक वकील का उसका बताएगा, उससे मिलके वो इस डील के बारे में डिस्कस कर सकता है और वो इसको इसमें हेल्प आउट भी कर लेगा। अब जेम्स इसके बताए हुए वकील के पास जाता है और उससे मिलता है और सारी सिचुएशन बताता है, और इन सब बातों में जेम्स वो अमेरिकन स्टूडेंट के बारे में भी उसको बताता है कि वो चाहता है पायलट के साथ उस अमेरिकन स्टूडेंट को भी छोड़ दिया जाए। अब वो वकील उसकी ये बात अपने सीनियर्स तक पहुंचाता है और जेम्स को सीनियर से मिलवाता है, जिस पे जेम्स सीनियर्स को कहता है कि वो पायलट के साथ साथ उस नौजवान को भी छुड़वाना चाहता है, जिस पे वो उसको मना कर देते हैं। लेकिन जेम्स कहता है कि या तो डील इन दोनों की होगी या तो डील इनके बीच में होगी नहीं, और वो वहां से उठ के चला जाता है। अब उसके जाने के बाद उसको रशियन एम्बेसी से कॉल आती है और वो उसकी डील पर एग्री करते हैं, और डील के मुताबिक उनको एक ब्रिज पर मिलना होता है जिसमें वो एक दूसरे के जासूस एक्सचेंज करेंगे। अब उस ब्रिज पे एक तरफ से रुडोल्फ को लाया जाता है और दूसरी तरफ वो जासूस पायलट और स्टूडेंट को लाया जाता है। यहाँ से रुडोल्फ को उनके पास भेज दिया जाता है और वहां से उन दोनों को इनकी तरफ भेज दिया जाता है। रुडोल्फ जाते वक्त जेम्स का शुक्रिया अदा करता है और साथ साथ उसको कहता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, और अब दोनों तरफ से कैदी एक्सचेंज हो जाते हैं। और अब जेम्स पायलट और उस नौजवान को लेकर USA के लिए निकलता है। रास्ते में वो गिफ्ट देखता है जो रुडोल्फ ने उसके लिए छोड़ा होता है। वो एक निहायत ही शानदार उसकी पेंटिंग होती है जो रुडोल्फ ने उसके लिए बनाई हुई होती है। अब अगले ही दिन न्यूज में जेम्स की वाह वाह होती है क्योंकि जेम्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया होता है दो मुल्कों के बीच में, क्योंकि जेम्स ने दो कंट्रीज के बीच में अमन का काम किया होता है और साथ ही साथ उसने दो लोगों की जान भी बचाई हुई होती है। अब अगले दिन जब जेम्स ट्रेवल करता है तो सब उसको बहुत ही थैंकफुल निगाहों
आंखों से देखते, क्योंकि सच में उसने एक बहुत बड़ा काम किया हुआ होता है। और अब ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।